हम पहले जो उपदेश हमने देखा था उस पर हम जारी आर द पुअर इन स्पिरिट फॉर देयर इज द किंगडम ऑफ गॉड धन्य है वे जो मन के दीन है परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है पुअर ऑफ स्पिरिट इन स्पिरिट पुअर इन स्पिरिट इज ओपोज वैनिटी एंड एम्बिशन और जब हम मन की दीनता की बात करते हैं तो ये विल बिल्कुल विपरीत है उन बातों को जो कि जो घमंड है Man, और जो uh, अभिलाषा है या महत्वाकांक्षा है एट ए प्योर इन स्पिरिट आर हु आर कॉन्शियस ऑफ देयर ओन स्पिरिचुअल डिफिशियंसी और आत्मा के दीन लोग वही है मन के दिन लोग वही है जो इस बात को मानते हैं कि आत्मिक रूप से वो बहुत कमजोर है हमबुल इन स्पिरिट जो आत्मा में नम्र है ब्लेस्ड विद ट्रू और वे सच्चे आनंद से वे आशीषित हैं बिकॉज देयर इज मोर रियल एंजॉयमेंट इन थिंकिंग ऑफ आवर एज वी आर दैन इन बींग और इसमें बहुत खुशी और आनंद मिलता है कि हम जैसे हैं हम वैसे ही अपने विषय में सोचे न की घमंडी हो या महत्वाकांक्षा हमारे मन में भरे दिस पॉवर्टी इज आवर ग्रेटेस्ट रिचेस और ये निर्धनता जो है ये हमारा सबसे बड़ा धन है किंगडम क्योंकि लिखा है कि ऐसे लोगों का ही राज्य है नो डस किंगडम मीन और राज्य का अर्थ क्या है किंगडम किंगशिप राज्य का अर्थ यही है कि एक राजा होता है एंड द पुअर इन स्पिरिट ऑलरेडी बिलोंग्स टू द किंगडम ऑफ गॉड सो जो मन के दीन है वो पहले से ही परमेश्वर के राज्य के हैं एंड अदर टीचर्स हैव टॉट स वॉज टू बी फाउंड इन ऑनर और दूसरे शिक्षकों ने सिखाया है कि खुशी इन्हीं बातों में है जब हमें आदर मिलता है एंड इन रिचेस या फिर धन प्राप्त होता है और स्प्लेंडर या बहुत अच्छा जीवन शैली होता है और uh, सेंसुअल uh, 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 या फिर एक, एक आनंद जो शरीर का आनंद होता है एंड पीपुल थिंक और लोग सोचते हैं

और यीशु मसीह ने इन सभी बातों को नजरअंदाज कर दिया ईड इन फॉर रिचे और यीशु मसीह परवाह नहीं करते थे धन दौलत का नो स्प्लेंडर न कोई अच्छा जीवन शैली का एंड ही और जो पाप जो नैतिक पाप होते थे उससे घृणा करते थे His eye is on the poor. और क्योंकि परमेश्वर का जो दृष्टि है वो निर्धन लोगों के ऊपर है एंड नम्र और दीन है एंड सेट दट पॉवर्टी और कहा कि जो खुशी और सच्चा खुशी और आनंद उसी में है जब लोग मन के दीन और नम्र होते हैं अ स्टेट ऑफ पॉवर्टी वेयर आर वी ऐसे निर्धनता के स्थिति में हम कहां पर हैं? वी आर डिस्पाइज अनहोनर्ड बाई मैन और लोगों के द्वारा अनादर किया जाता है एंड इट इज अ स्टेट ऑफ पॉवर्टी वैन आर रेडी टू सीक देअर्ट इन हियर आफ्टर और ये ऐसा स्थिति है निर्धनता का स्थिति है कि लोग जो है आशा रखते हैं कि आगे जो स्वर्ग प्राप्त होगा उसी के आशा में रहते हैं और याद रखे वो दृष्टान बताया उस निर्धन व्यक्ति का और फरीसी का जो मंदिर में गए प्रार्थना करने के लिए वाज सो रिच हिमसेल्फ और फरीसी जो था वो अपने आप में अपने अंदर इतना घमंड से भरा हुआ था एंड सो फिल्ड विद अपने खुद के धार्मिकता से भरा हुआ था स्पेज इन हिम इन इज हार्ट और माइंड फॉर गॉड टू फील विद हिज ब्लेसिंग उसके हृदय या मन में कोई जगह नहीं था कि परमेश्वर आ जाए So So how did he he leave that temple? As so, as empty as he came. Not accepted of the Lord. परमेश्वर के द्वारा ग्रहण योग नहीं हुआ। Whereas the publican was और, an example of poor in spirit. लेकिन वो नम्र और निर्धन व्यक्ति वो जो आत्मा में दीन था और he, निर्धन था फाइनेंशियली ये जरूरी नहीं है कि वो आर्थिक रीति से निर्धन था बट ही चोज द कॉर्नर ऑफ द टेंपल लेकिन उसने चुना कि वो मंदिर के कोने में जाए नॉट इवन लुकिंग अपवर्ड और प्रार्थना करते समय वो ऊपर भी नहीं देख रहा था। वॉज सो अशेम्ड ऑफ हिमसेल वो अपने आप में इतना शर्म महसूस कर रहा था down, कि अपने सर को झुका दिया बीटिंग इज चेस्ट ऑल द टाइम और अपने छाती को पीट रहा था Why? क्यों He recognized how poor he was in his spirit. उसने इस बात को पहचान लिया कि वो अपने आत्मा में कितना निर्धन है. And he was certainly opposed to वो घमंडी when के जीवन से बिल्कुल विपरीत था जब आप अपने खुद के द्वारा ग्रहण योग नहीं होते हैं you are ready to be a person of worth। तो आप तैयार होते हैं कि आप किसी मायने या मतलब के व्यक्ति बने एंड यू आर रेडी टू बी acceptable to God. और आप तैयार रहते हैं कि आप परमेश्वर द्वारा ग्रहण योग बन जाएंगे In your own eyes, अपने खुद के दृष्टि में You are so low. आप इतने दीन हैं Here in lies the blessedness of a person who knows he is poor in spirit. और यहाँ पर हम पाते हैं वो धन्य व्यक्ति जो महसूस करता है कि वो आत्मा में दीन है And the mercy of a merciful God is your only hope. And such a person will rule in the kingdom of God. That's what Jesus said. When you come before God, you don't come. तो हम पूरे भरे हुए नहीं आते हैं अपने आत्मनिर्भरता के ऊपर अपने स्वयं के से भरे नहीं रहते हैं देर इज नुड इन मी फॉर गॉड टू लुक ऑन

हेवल्डी Father, हेस्वर के पिता, I thank you, मैं धन्यवाद देता हूँ, that the kingdom of God is open to anyone, कि परमेश्वर के का राज्य किसी के लिए भी खुला है, regardless of one standing in the community, in the society, in front of others, चाहे वो समाज के सामने कैसे भी दिखता हो या कोई भी धर्म या जाति का हो जिस स्पेशली फॉर दोज हु रिकॉग्नाइज देयर स्पिरिचुअल पॉवर्टी और ये विशेषकर उन लोगों के लिए है जो इस बात को एहसास करते हैं कि वो निर्धन है एंड एडमिट दैट गॉड इज नॉट बाउंड टू ब्लेस हिम और इस बात को मानता है कि वो योग्य नहीं है कि परमेश्वर उसे आशीषित करे बट ओ लॉ वी थैंक यू फॉर योर मर्सी लेकिन प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके करुणा के लिए एंड विद रिचनेस ऑफ योर मर्सी और उस करुणा के भरपूरी से ड्रॉस टू हमें अपने पास आपके निकट ले आ एंड ब्लेस एवरीवन हु हर्ड दिस और हरेक के ऊपर आपका आशीष होने पाए जिन्होंने इस वचन को सुना है दैट्स लेट जॉय ऑफ द लॉर्ड फिल्स देयर हार्ट और प्रभु का आनंद उनके हृदयों में भरने पाए एंड बी एवर ग्रेटफुल टू गॉड और हमेशा आभारी बने रहे एंड थैंक हिम फॉर हिज ग्रेट रिचेस धन्यवाद करते हैं आपके आशीषों के लिए आमीन आमीन

और आप तभी वैसे बनेंगे जब आप इस बात को मानेंगे कि आप योग्य नहीं परमेश्वर आप सबको a, a एक अच्छा दिन बीतने आमे